नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से फोटोशॉप में अगर आपके पास ऐसे दो डॉक्यूमेंट मिल जाएं अलग अलग और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट एक साथ जुड़े हों यानी एक साथ मर्ज हों, तो आप कैसे उसको मर्ज कर सकते हैं आज आपको फोटोशॉप में बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग दो आधार कार्ड के यहाँ पे हैं, जैसे फ्रंट वाला है और ये बैक वाला है। अब ये दोस्तों अगर आप एक साथ इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि बहुत ऐसे सारे एप्लीकेशन होंगे जो आप ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं होता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से लैपटॉप में आप इजी तरीके से कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं यानी मर्ज कैसे कर सकते हैं और परफेक्ट तरीका आपको भी ये भी बताएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है फोटोशॉप। दोस्तों यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको उस इमेज को लाना है इस पे लाने के लिए आप इसको यहाँ से इस तरीके से उठा कर लाइए और इस पे लाकर बीच में आपको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों इतना करना है, फिर इसके बाद अगला वाला जो है इसको भी इस तरीके से लाना है और छोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोनों हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको मर्ज करना कैसे है, दोस्तों मर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको Ctrl+N प्रेस करना है यानी यहाँ पे आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे साइज ले लेना है A4, उसके बाद आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, उसके बाद यहाँ पे RGB कलर ले लेना है या आप CMY कलर ले सकते हैं। आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि अगर आप अपने प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं तो CMY के कलर यूज करिएगा, जिससे आपकी क्वालिटी बहुत परफेक्ट आएगी। यहाँ पे ओके करते हैं। उसके बाद दोस्तों ओके करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से V प्रेस करना है यानी मूव टू जो होता है, या इसमें आप क्लिक करिए, पहला जो है इसको उठाकर इस पे लाकर छोड़ दीजिए। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सेकेंड वाला है जो इसको आप ला सकते हैं और इसको बड़ा करके इस तरीके से आपको इंटर करके इसको सेट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, दोस्तों हमने इसको सेट कर लिया है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड नंबर पे आता है इसको भी हम क्या करते हैं इस तरीके से उठा के लाते हैं और इस पे रखते हैं और इसको यहाँ पे मूव कराकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा मूव हो गया। इंटर करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं जैसा कि कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं दोस्तों, और ये आपका आधार कार्ड हो गया रेडी यानी आपका हो गया आधार कार्ड मर्ज। अब दोस्तों यहाँ पे अगर जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपका परफेक्ट यहाँ पे आएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्रॉप टूल पे आना है, इसमें आपको 0 रखना है और ऐसे आपको कर लेना है क्रॉप और इंटर हिट कर देना है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड है बिल्कुल इजी तरीके से रेडी हो गया है, मर्ज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही स्टेप होता है सबसे इजी स्टेप, आप क्या कर सकते हैं इसको आप मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।